आखिर में इसके मसारिफ के सदक़े फितर आप किस मकाम पे अदा कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। तो याद रखिए कि जहाँ पर ज़कात दी जा सकती है वहीं पर सदक़े फितर भी दे सकते हैं, जहाँ पर ज़कात नहीं दे सकते वहाँ सदक़े फितर भी अदा नहीं कर सकते। लिहाजा अपने रिश्तेदारों में अगर देना चाहें तो पहले गौर कर लीजिएगा कि वो आपकी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ना हों, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासे नवासी भी ना हों, शोहर बीवी को, बीवी शोहर को नहीं दे सकता, इसके अलावा कोई खानदान में सैयद हों तो उनको नहीं दे सकते, इसके अलावा खानदान में जो कोई हैं, बहन हैं, भाई हैं, मामू मानी, मामू वगैरह, ये वो अगर मुस्तहक हैं और मालिक निसाब नहीं हैं तो आप उन्हें सदका फितर दे सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही सवाब हासिल होगा। बल्कि याद रखें कि अपने करीबी रिश्तेदारों को देना सबसे अफजल और औला होता है, उनकी पहले मदद करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे ज़कात में मालिक बनाना शर्त होता है, इसमें भी मालिक बनाना शर्त है, लिहाजा सदका फितर बरह रास्त किसी मस्जिद वगैरह में नहीं लगा सकते, किसी को मालिक ही बनाना होगा।